जिसका ये दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मां नर्मदा को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये नर्मदा मैया ही है जो मध्य से लेकर पूरे पश्चिम भारत की जीवनदायिनी है, और जिस प्रदेश से मैं आता हूं उस प्रदेश में तो अगर मां नर्मदा ना पहुंचे तो हम गुजरात वाले कैसे जी सकते हैं इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। मैं मां नर्मदा को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। गोंड राजाओं की इष्ट देवी मां दुर्गा के रूप में विराजमान राज राजेश्वरी देवी को भी प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये जो भूमि है रानी दुर्गावती की भूमि है। रानी दुर्गावती ने सैकड़ों हजारों सालों तक हम मिसाल दे पाए इस प्रकार की वीरता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया और अपना जीवन बलिदान करकर देश के हजारों साल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखाया गया। वो रानी दुर्गावती जी को मैं बहुत सम्मान के साथ स्मरण करता हूं और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को बचपन से जिनसे प्रेरणा मिली है वो रघुनाथ शाह और शंकर शाह को भी मन पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान न केवल मध्य प्रदेश, न केवल जबलपुर मंडला, समग्र देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 57 की क्रांति में अच्छे अच्छे राजो रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ समाधान किया, तब ये बाप बेटे ने देश को आजाद करने के लिए अपनी मशाल ऊपर की और छाती पर तोप के गोले को झीलते हुए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर शाह का बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की घर का गरीब का घर, और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर
आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो मध्य प्रदेश राज्य। भाई और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा? मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ और बंटाधार की केंद्र में सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट किया, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। क्या स्टेटमेंट किया? उन्होंने कहा देश की तिजोरी पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। सबने विरोध किया मगर वो नहीं माने। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण में कांग्रेस डूबी रही। अंततः गतवा 2014 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी, उनका नेता ये नाते चयन करना था, संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपको चयन करना है दो विचारधाराओं के बीच। एक और कांग्रेस पार्टी कहती है देश के खजाने पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी कहते हैं देश के खजाने पर मेरे आदिवासी भाई बहन और गरीबों का अधिकार है। भाई और बहनों, और ये कोई नेता के सिर्फ शब्द नहीं थे। 2014 में मोदी जी बोले, मैं 23 में आपके सामने आया हूं, ये 9 साल में देश के गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे बदलाव किए। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करेंगे, उन्होंने तो नहीं की। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक अगल आदिवासी मंत्रालय बनाया। तो भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया, मोदी जी ने 2 वर्षों में मात्रा के दोष के कारण छूटी हुई 23 जातियों को फिर से आदिवासी जातियों में ऐड किया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस मनाकर पूरे देश में आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश भर में 10 जगहों पर भगवान बिरसा मुंडा
लघुनाथ सा, शंकर सा, रानी दुर्गावती, ऐसे आदिवासियों के स्वतंत्र सेनानियों के संग्रहालय बनाए। और मैं आज श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी को पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासी कल्याण मंत्रालय का एसटी कंपोनेंट का बजट कितना था? भाई और बहनों, मैं बताने आया हूं, मनमोहन सिंह सरकार केवल सालाना 24,000 करोड़ रुपया देती थी। कितना देती थी भाई, जोर से बोलो, 24,000 करोड़। कितना? और मोदी जी ने 24,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,19,000 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी भाइयों के लिए किया। 287 करोड़ रुपया एकलव्य स्कूल के लिए खर्च करना शुरू किया। और इसके साथ साथ आजादी के पहली बार एक गरीब घर की आदिवासी बेटी, संथाली आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनाने का सम्मान भी नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस इतने सालों तक शासन करती रही, कभी आदिवासी के बेटे या बेटी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आदिवासी बेटी को प्रधानमंत्री बनाने का सम्मान हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर के गरीबों के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। लगभग 91 लाख किसानों को प्रतिमा मोदी जी, प्रति साल मोदी जी और शिवराज जी मिलकर 12,000 रुपया चेक से भेज रहे हैं। 12,000 रुपया ये कमलनाथ जी सूची नहीं भेजते थे, कुछ हजार किसानों की भेजी थी। शिवराज जी की सरकार बनी, सूची को बढ़ाया और 91 लाख किसानों को 12,000 रुपया हर साल मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 60 लाख परिवारों को कनेक्शन देने का काम ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 3.6 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, गरीब हो, लगभग लगभग मध्य प्रदेश में 1.2 करोड़ परिवारों को और 5 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मित्रों, फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, हाथ ऊपर करके, लगा है या नहीं लगा है? चार आना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने 130 करोड़ की जनता को और विशेषकर 60 करोड़ गरीबों को कोरोना का दोनों टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, 10 लाख से ज्यादा माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और प्रधानमंत्री आवास के तहत 42 लाख गरीबों को घर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी ने मिलकर 1,36,00,000 गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम
मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने किया था, और ये बीमारू कहे जाने वाले प्रदेश के अंदर इसको बेमिसाल प्रदेश बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, आपके आशीर्वाद के साथ, ये आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा यहां से चालू होगी। ऐसी 5,005 यात्राएं निकलेगी, 10,600 किलोमीटर घूमेगी, हर विधानसभा में जाएगी और 210 विधानसभाओं में घूमकर भोपाल में मोदी जी की अध्यक्षता में समापन होगा। और मैं आज दावे से कहने आया हूं, बंटाधार जी, दिग्विजय सिंह जी, आप और कमलनाथ, आप और करप्शन नाथ, दोनों सुन लो, जब 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद लेने के लिए रोड पर निकल रही। मैंने 3 दिन की यात्रा का हेलीकॉप्टर में शिवराज जी को रिपोर्ट पूछा, हजारों हजारों लोग यात्रा को स्वागत में उमड़ रहे, विशेषकर मेरे गरीब परिवार के लोग, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हो, मोदी जी को आशीर्वाद रहे। भाजपा की सरकारें गांव गरीब की सरकारें, महिला उत्थान की सरकारें, बेटियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। अभी तो शिवराज जी ने लाडली बहनाओं को रक्षाबंधन के दिन खुश कर दिया और मन से आशीर्वाद दे रही है। युवाओं का विकास करने वाली ये सरकारें हैं और विश्व में भारत की छवि सुधारने वाली सरकार है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, होते थे या नहीं होते थे, जोर से बोलो जरा, होते थे या नहीं होते थे? ये पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, मगर कांग्रेस की सरकार उफ नहीं करती। पुलवामा में हमला हुआ, उरी में हमला हुआ, मगर आतंकवादी भूल गए कि सरकार बदल गई है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। माताओं, भाई और बहनों, मोदी जी ने समग्र दुनिया के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित किया, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। 11 नंबर का अर्थतंत्र छोड़कर गए थे अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, मोदी जी ने उसको 5वें नंबर पर लाने का काम किया और भारत में चहु और विकास का काम किया। G20 है कुछ दिनों के बाद, आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। समग्र दुनिया भारत के विकास, संस्कृति और भाषाओं को जान रहा है और बुरी बुरी प्रशंसा कर रही, और इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा नागरिक सम्मान अगर किसी को मिले हैं तो जोर से ताली बजाना, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, नरेंद्र मोदी। मगर भाई और बहनों, ये सम्मान जो मोदी जी को मिले हैं वो नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये सम्मान जो मिले हैं
मध्य प्रदेश की 6 करोड़ की जनता और देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान है। सम्मान भाइयों और बहनों, आप लोगों ने कमलनाथ की सरकार यहां देखी है, 51 से ज्यादा गरीब कल्याण की योजनाओं को एक करप्शन नाथ ने बंद कर दिया था, सीएमओ मनी कलेक्शन का ऑफिस बन गया था, कांग्रेस की वर्किंग कमिटी करप्शन वर्किंग कमिटी बन गई थी और 800 से ज्यादा ट्रांसफर हो गए थे। इस्तीफे के 15 मिनट पहले 63,000 करोड़ का मोबाइल घोटाला, 350 करोड़ का मोजरबेर घोटाला, 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, 600 करोड़ का इपको घोटाला, 25,000 करोड़ कर्ज माफी का वादा न निभाना और 1178 करोड़ का किसानों का गेहूं का बोनस खा जाना। मित्रों, एक कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े और मोदी जी ने, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में आपको ये तय करना है कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस चाहिए या आदिवासी दलित और पिछड़ों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आपको तय करना है गरीबों के लिए योजना लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या करप्शन करने वाली करप्शन नाथ की सरकार चाहिए। आपको तय करना है कि बंटाधार और करप्शन नाथ के नेतृत्व में सरकार बनानी है या मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है। भाई और बहनों, माताओं, आज मैं आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारे कार्यकर्ता आपके पास आएंगे, घर घर, गांव गांव, गली गली आएंगे, आपसे करबद्ध प्रार्थना करेंगे। आपने 14 में मोदी जी को जिताया, 19 में मोदी जी को जिताया, 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मध्य प्रदेश की सारी सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है या नहीं डालनी है? तो उसके पहले 23 में फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में बनानी पड़ेगी। मुझे बताओ मंडला वालों, पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन आप करेंगे? भाई जोर से हाथ उठाकर बोलो, करेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? 150 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।